हमें देखना है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4. 6.4 का ये क्वेश्चन है आपका, 6.4 क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं यहां पे क्या है, स्टेटमेंट क्या है. इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, यहां बताया जा रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल है और उनका एरिया इक्वल है. ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल है उनका एरिया इक्वल, तो करना क्या है, प्रूव करना है, प्रूव दैट दे आर congruent. अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल congruent भी होंगे. तो देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, दोनों सिमिलर है. कंडीशन क्या है, गिवन दैट बोथ आर सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ. एंड एक और चीज दिया हुआ है, सिमिलर तो दिया ही है, इनका एरिया क्या है, इक्वल है, ये भी चीज दिया हुआ है. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ. ठीक है, ये दोनों का एरिया भी दिया हुआ है कि इक्वल है, एरिया दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है. तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करना है कि दोनों congruent है. ठीक है, सिंस आते हैं हम लोग, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये तो दिया है. अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है. तो दोनों का, दोनों सिमिलर है तो क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी क्या होगा, एबी बाय डीई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी बाय ईएफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एसी बाय डीएफ का होल स्क्वायर. ऐसा होगा, ये पता है सबको, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. अभी अभी आपको एक थ्योरम बताए थे इसके पहले. तो आते हैं अब ये तो दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एबीसी की जगह पर डीईएफ पुट कर देते हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह पे डीईएफ पुट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है. समझ में आ रहा होगा, और तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ हो गया, नीचे तो वही रहेगा, नीचे वाला जैसे वैसे रहेगा. एबीसी को हमने डीईएफ से रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है इक्वल, तो बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे, एबी बाय डीई का होल स्क्वायर, बीसी बाय ईएफ का होल स्क्वायर एंड एसी बाय डीएफ का होल स्क्वायर. तो अब आप बताइए क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, बचेंगे वन, तो ये सब वन के बराबर हो गए, मतलब AB by DE क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये तो वन हो गया. इसका मतलब AB by DE का होल स्क्वायर, BC by EF का होल स्क्वायर और AC by DF का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गया वन के. इसका मतलब क्या हुआ, AB square is equal to 1 into D square, D square, इसका मतलब AB is equal to DE हो गया और BC is equal to EF हो गया. जब इसको 1 के बराबर किए तो AB is equal to DE हो गया, इसको 1 के बराबर किए तो BC is equal to EF हो गया और इसको 1 के बराबर किए तो क्या हुआ, बताइए, AC is equal to DE हो गया. अब आप बताइए इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, AB is equal to DE हो गया, BC is equal to EF हो गया और AC is equal to DF हो गया, तो तीनों corresponding side तो इसके equal हो गए, तो side 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 congruency criteria यहाँ पे apply कर देंगे, दोनों triangle congruent हो जाएंगे. आपको यहाँ लिखना है by side 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 congruency criteria. Triangle ABC will be congruent to triangle DEF. ये आपका प्रूफ हो गया. तो
क्वेश्चन बहुत ही था